उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के ब्लॉक पिपराइच के सरकारी संघ के प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि सरकारी संघ के प्रांगण में राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के द्वारा वृक्षारोपण कराते हुए वृक्षारोपण के समय विकासखंड पिपराइच के वीडियो राजेंद्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी दिलीप कुमार गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि मंत्री राधे सिंह ने लोगों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम के माध्यम से जनहित में वृक्ष लगाने का संदेश दिया है। राधेश्याम सिंह सर, आप बताएंगे वृक्षारोपण से आप जनमानस में क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात कि हमारी पार्टी ने इस लक्ष्य को एकदम निर्धारित कर दिया है कि जितने अपने कार्यकर्ता हैं पूरे राष्ट्र में वृक्षारोपण करेंगे। हम लोग सदस्यता अभियान भी कर रहे हैं और वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। सभी को पता है कि वृक्ष के बिना मानव जीवन संतुलित नहीं हो पाएगा। वृक्ष की आवश्यकता को समझते हुए पार्टी ने निर्देश दिया है कि गांव-गांव हर बूथ पर 5 कम से कम पौधे लगाए जाए। इसी तहत के कार्यक्रम में हम लोग निकले। जी सर, आप बताएं। जी, जिला पंचायत सदस्य सुभाष चंद्र भारती है सर। हम लोग घूम घूम के सदस्यता अभियान में भी भाग ले रहे हैं, सदस्य गांव-गांव बना रहे हैं और वृक्ष भी लगाने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं और हम लोग भी लगा रहे हैं। मल जी कहाँ भाई? मल साहब ये हैं। राम सिंह, जिला पंचायत सदस्य, हम पंचायत के प्रभारी भी हैं। आज रमोपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हमारे खंड के अधिकारी और विधायक जी थे। हम लोगों का यही संदेश है कि इतनी बीमारियां जो बढ़ रही हैं, लोगों को असमय शुगर तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। जब बाग बगीचे बहुत ज़्यादा होते थे तो बीमारियां कम होती थी। इस नाते अपने राष्ट्र को स्वस्थ और स्वस्थ रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष हर बूथ पर हर कार्यकर्ता हमारा लगा रहा है। आज इस साधन सहकारी समिति का जो संघ का अध्यक्ष कार्यालय है, यहाँ पर हम लोग इसको लगा करके इसका संदेश आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति कम से कम 5 पेड़ लगा रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलित रहे, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इससे बचा जा सके। जाड़े में गर्मी, गर्मी में जाड़ा, इस तरह बरसात का मौसम है लेकिन असमय बारिश हो रहा है, इसको बचाया जा सके। जी जी जी, आप करते हैं। मल जी, मैं महेंद्र प्रताप मल, जिला पंचायत सदस्य। जैसे हमारा जहाँ तक मानना है, सच्ची राष्ट्रभक्ति तभी है जब व्यक्ति स्वस्थ है। बिल्कुल, स्वस्थ व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्ति मेरे दृष्टिकोण में है। और स्वस्थ कैसे रहेंगे? अधिक से अधिक पौध लगा करके स्वच्छ ऑक्सीजन प्राप्त करके ही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। आप प्रधान जी हैं, प्रधान वीडियो साहब से मैं राजेंद्र सिंह, खंड विकास अधिकारी पिपराई। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से भारत छोड़ो आंदोलन के 77वीं वर्षगांठ पे 9 अगस्त को 22 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य जो रखा गया है, उसमें हमारे सरकारी राजकीय विभाग के जितने लोग भी हैं सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं ताकि हमारी जलवायु और पर्यावरण का संतुलन बना रहे, ताकि हम उससे जो है शुद्ध हवा और पानी हमको मिले। TV1 इंडिया न्यूज के लिए धीरज सिंह की रिपोर्ट, कुशीनगर। दोई के ग्राम सभा रदौली में निवादा में चोरी हुई, जहां पर आपको बता दें कि जिनके घर चोरी हुई वो सेंट का कारोबार करते थे, साथ ही उन्होंने भैंस बेचकर अपने पैसे रखे थे, तो वहीं पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। मालिक का कहना है कि हम लोग छत पर लेटे थे और कमरे में 80,000 रुपए रखे हुए जिस पर चोरों ने अपने हाथ साफ कर दिए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए RK सिंह की रिपोर्ट, अतरौली, हरदोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में DGP के आदेशानुसार जनपद जालौन के तेज तर्रार SP सतीश कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश सिंह के आदेशों के अनुसार COCD संतोष कुमार ने अपने पूरे पुलिस बल के साथ एकत्रित होकर गश्त पैदल फूड मार्च निकाला, जिसके चलते जनपद जालौन के तेज तर्रार SP सतीश कुमार के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार के अनुसार पुलिस महकमे के साथ मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान व जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाने को लेकर चलाया जा रहा है। पैदल गश्त से मार्च से अभियान, जिसको लेकर के पुलिस हर संभव जनता के बीच जाकर उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इसी के चलते DGP के आदेशानुसार जनपद में हर रोज की तरह आए दिन 1 घंटे शहर में जगह जगह पैदल मार्च किया जाएगा। की जा रही है, क्या प्रमुख मुद्दा है स्कूल करके आज किया रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे माननीय के अनुसार हमें प्रतिदिन पैदल गश्त करनी है, कम से कम 1 घंटा सभी अधिकारियों को, और उसी का अनुपालन करते हुए जनता में विश्वास दिलाना है हमें कि पैदल गश्त के समय हम उनके साथ में रहते हैं, जनता के साथ, और जो हमारे
इस पुलिस एक्ट के चलान हैं और जो व्हीकल ट्रैफिक उल्लंघन के जो तरफ चलान हैं वो भी हम करते हैं। और इस दौरान हम लोग जो भी महिलाएं हैं और जो यहाँ पे लोग बाज़ार में शाम के समय आते हैं उन सबको विश्वास दिलाते हैं कि पुलिस आपके साथ है, आप सत्संगी हैं और 151 की कार्रवाई की जाती है जो लोग किसी तरह का कोई गलत काम करते हैं। और आने वाले त्यौहारों के मद्देनज़र, बकरीद के मद्देनज़र, 15 अगस्त के मद्देनज़र और जो आर्टिकल 370 के जो कार्रवाई हुई है उसके अंतर्गत भी हमने सतर्कता बढ़ती जा रही है और पूरी तरह से जनता को विश्वास दिलाया जा रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन, उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद में विजयपुरा चौराहे पर हुए सड़क हादसे में सिपाही की मौत हुई, जहां पर मृतक सिपाही को कंधा देने पहुंचे एसएसपी सचिन पटेल संग प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। पूरे सम्मान के साथ पुलिस प्रशासन ने अपने साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं हर पुलिस के जवान की आंखों में आंसू देखने को मिले, साथ ही साथ पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं एएसपी संग पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को डांडस बंधाया। वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में बीते दिन सुबह थाना रसूलपुर क्षेत्र के नया रसूलपुर गली नंबर 4 निवासी 60 वर्षीय शिवदेवी गुप्ता पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता और उनकी बहू 25 वर्षीय रानी गुप्ता पत्नी अमित गुप्ता की निर्मम हत्या उनके घर में कर दी गई थी। एसएसपी सचिन पटेल के निर्देशन में थाना रसूलपुर पुलिस टीम ने देर रात मुठभेड़ के दौरान बड़ी चौक के सामने से पिंपेश्वर गेट पर थाना रसूलपुर से एक अभियुक्त दिलीप उर्फ दीपा पुत्र रमेश चंद निवासी पप्पू पंडित का किरायेदार रसूलपुर टंकी के सामने रसूलपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस टीम का एक सिपाही C1157 कन्हैया लाल पुत्र भारत सिंह थाना रसूलपुर भी घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल के सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं यहाँ एसपी सचिन पटेल, एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह, सीओ श्रीमती इन प्रभात जी ने संघ थाना पुलिस भी पहुँच गयी। वहीं घायल अभियुक्त का उपचार किया जा रहा है जिसके पैर में चोट है, बाकी सिपाही के पैर में गोली लगी है। एसएसपी सचिन पटेल ने बताया कि घटना को अंजाम क्यों दिया गया इसके पीछे की पूछताछ की जा रही है। सरकारी ट्रामा सेंटर में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मयंक शर्मा के साथ देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। यूपी के रामपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के चलते 22 लाख पौधा रोपण किया जाएगा, जिसमें रामपुर के डीएम अंजनेय कुमार सिंह ने आज सुबह से ही अपनी पूरी टीम के साथ काशीपुर गांव में पौधारोपण किया, जिसमें 3000 से ज्यादा पौधे रोपण किए गए। सारे अधिकारियों ने किया है, क्या प्रोग्राम है और क्या इसका लक्ष्य है? एक्चुअली आज हमें 9 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा पौधे, पूरा प्रदेश 5 करोड़ पौधे लगाने का पूरे प्रदेश का एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है और उसी में हमारा भी योगदान है। हम पूरे जनपद में प्रोग्राम चला रहे हैं। यहाँ पे अकेले हमने अभी आधे घंटे में करीब 1500 के करीब पौधे लगाए हैं, पूरे 3000 लगाने का है और हम लोग अभी इसको टारगेट को पूरा कर रहे हैं। तो जो 5 करोड़ पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड बनाना है उसमें हमारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए हम आज कर रहे हैं। वैसे पेड़ दिन भर लगेंगे और इसके बाद भी लगेंगे। अच्छा, कौन कौन से मतलब पौधे जो है लगाए गए हैं, कौन कौन से? सामान्यतः हमारा जोर इस बात पे है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली पौधे लगे। हालांकि कुछ जो व्यक्तिगत किसान हैं उनकी पसंद पे हम कहीं से भी रोक नहीं लगा रहे हैं, पर जो हमारे तरीके से जो हमारे विभागीय जितने भी पौधे लग रहे हैं उसमें सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली और न्यूट्रिशन फ्रेंडली। जैसे सहजन हम लगा रहे हैं, हम 5 लाख सहजन लगा चुके हैं। आगे हमारा इरादा ये है कि 5 लाख और सहजन पेड़ के पेड़ लगाएंगे और पूरे जनपद में जो हमारा लक्ष्य है 20 लाख, उसके बजाय हम 28 लाख पौधे लगाएंगे। हमारा संकल्प ये है कि पूरी जनपद की पॉपुलेशन जितनी है उतने पौधे हम इस बार लगाएंगे। नियम साहब, आप किस सुरक्षा को लेकर किस तरीके के निर्देश हैं? जितने पौधे हैं सारे जियो टैग किए जा रहे हैं, वो भी जो एडिशनल हमारे 8 लाख लगा रहे हैं उनको भी जियो टैग किया गया है, जितने सहजन के पेड़ हैं। और ये जितने जियो टैग किए जाएंगे इसके बाद भी इनकी समीक्षा होती रहेगी। यहीं पे नहीं, शासन स्तर पे सारे ऑनलाइन हैं और इनको देखा जा सकता है। और जहाँ पे भी पौधे मरेंगे, मतलब पौधे अगर नहीं बचते वहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स की जानी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जियो टैगिंग के बाद ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पौधे के बारे में। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए तुषार सक्सेना की रिपोर्ट, रामपुर।
मथुरा के कृष्णानगर चौकी इलाके के बीएसए कॉलेज रोड स्थित टीवीएस एजेंसी का मामला है, जहां पर टेस्ट ड्राइव के दौरान ग्राहक और एजेंसी के कर्मचारियों में कहासुनी हो गई। एजेंसी के कर्मचारियों ने ग्राहक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। वहीं ग्राहक ने चार कर्मचारियों के खिलाफ कृष्णानगर चौकी में तहरीर दी है। आपको बता दें कि कृष्णानगर चौकी इलाके के बीएसए रोड पर स्थित टीवीएस एजेंसी पर एक ग्राहक दिल्ली निवासी भारत भूषण गाड़ी खरीदने के लिए आया था। उसने कंपनी के कर्मचारियों के साथ काफी समय तक बातचीत की। उसके बाद बाइक को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर चलने लगा तो कंपनी के कर्मचारियों ने कहा कि आगे मत ले जाइए, तो ग्राहक ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। कंपनी के कर्मचारियों ने भारत भूषण को पकड़ लिया और आपस में कहासुनी होने लगी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि कंपनी के चार कर्मचारियों ने ग्राहक के साथ जमकर मारपीट की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्राहक और एजेंसी के कर्मचारियों को शांत कराया तो ग्राहक के चार कर्मचारियों के खिलाफ कृष्णानगर चौकी में तहरीर दी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर उचित कार्रवाई की बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत भूषण है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। और आपके साथ यहाँ मारपीट की गई है, वी-मार्ट के सामने हम खड़े हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा है, मैं जस्ट टेस्ट ड्राइव निकला और वो लोग मुझे दो बंदे साथ में उसने ले लिए मुझे मारने पीटने के लिए। ठीक है जी, कहाँ से टेस्ट ड्राइव करने के लिए? टीवीएस, ये टीवीएस का शोरूम है। मैं पहले दोपहर को 2 बजे गया, ठीक है जी, किसी ने एंट्री मैंने मालिक से बात कर ली। मालिक ने बोला कि ले ना ले, उनकी मर्जी है, फिर भी मैंने माइनस करके उनको डील दिखा दी। क्या किसकी टेस्ट ड्राइव ली थी आपने? टीवीएस अपाचे की। अच्छा। और मैंने जयपुर में ऑलरेडी बुक कर रखी है, मेरा वो पेपर है, सब कुछ है, ऑडी भी बुक कर रखी है, मेरे पास सब पेपर है और मैं फुली फुल फॉर्म हूँ। और मैं फिर जयपुर से ट्रेन पकड़ी मैंने, ठीक है साहब। और अब मारपीट आपके साथ किसने की है यहाँ पर? यहाँ पे ये टीवी शोरूम के चार लड़के हैं, चार पांच लड़के हैं। नाम बताए किसी? एक का सुरेंद्र है जी, एक मुठूट कंपनी से है और एक टीवीएस डायरेक्ट कंपनी से है। और ये टीवीएस एजेंसी की बात कर रहे हैं? ये इसी साथ में है, बीएसए कॉलेज के सामने है। हाँ जी, बीएसए कॉलेज के सामने। और ऊपर एक बंदा बोल रहा है कि मैं राठौड़ हूँ, तुझे बता दूंगा, तो मुझे नहीं जानता। तो मारपीट काहे के लिए की गई आपसे? सर ऐसा है, उसको उन्होंने मेरे को एंटरटेन नहीं किया, मैंने मालिक से बात कर ली कि इन्होंने मेरे को एंटरटेन नहीं किया गया। जब मालिक ने इनको झाड़ा तो पता नहीं क्या इनको आपस में ईगोस्टिक हो गई, बाहर जाके क्या प्लान बनाया इन्होंने। और वो मालिक को आगे कहता है, मैंने उससे पूरी टीवीएस वाला पूरी और आलू लेके आया। मैंने जब उसको ये बोला भाई हमें भी खिला दे, हमें एक दो पूरी हमें भी खिला दे, तो चिल्ला के बोला मैं तेरा वेटर लग रहा हूँ क्या? ठीक है, बड़ा हटी हुआ। मैंने सारी बात को मैं माफ कर लिया था कि मैं बार बार जा रहा हूँ, मुझे एंटरटेन नहीं किया जा रहा, मुझे बैग नहीं दी जा रही, मैंने सब कुछ कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। और वो जो हट हुआ मैं मालिक के पास गया उसके बाद और उनको पूरी बताया मैंने कि मैं टूर्नामेंट करा रहा हूँ क्रिकेट का और मुझे 10 से 15 बाइक हर महीने चाहिए, मैंने तो मैच देने के लिए। ठीक है साहब, तो जो टीवीएस का जिसने पूरी उसकी बात करी थी, ठीक है साहब, तो जब उसको बुलाया गया तो वो कहता है इसको बाइक नहीं लेनी, ड्रामे कर रहा है। ठीक है जी, तो मालिक ने बोला कि इसकी मर्जी है, ले ना ले, तुम्हारा काम है, तुम ऐसे में रिजेक्ट करोगे उसके साथ। ठीक है जी, तो वो घूरते हुए मुझे बाहर चला गया। वी-मार्ट के कर्मचारियों ने भी मारपीट किया क्या? नहीं, वी-मार्ट के कर्मचारियों ने मारपीट नहीं करी, पर सिक्योरिटी गार्ड ने, मैं इनका वैल्यूड कस्टमर हूँ नंबर ऑफ ईयर्स है, रजौरी गार्डन से, लाजपत नगर से, हर जगह से शॉपिंग करता हूँ, पर इसका जो गार्ड है वो मुझे प्रोटेक्ट करने की वजह उनको वो कर रहा है, ना किसी को रोक रहा है। उसका फर्ज है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई हंगामा होता है। अब क्या करने वाले हो आप? पुलिस में जाएंगे? बिल्कुल सर, मैं पुलिस की वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी भी बार बार मुझे सर मेरे पास एक्चुअली मेरा फ़ोन भी छीन लिया है। ठीक है जी। अच्छा, आपके साथ मारपीट की गई है, आपका छीना क्या क्या गया है? सर फ़ोन, घड़ी छीन ली गई है। ठीक है जी। पैसे? मेरा पर्स था, मुझे नहीं पता किसने छीना है, किसने छीना है, पर्स भी गायब सर, पैसे ज़्यादा नहीं। टीवी 1 इंडिया न्यूज़ के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा में शाम 3:05 पर वृंदावन के प्रेम मंदिर में धमकी भरा फोन आने से उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने फोन कर प्रेम मंदिर और जन्मभूमि को उड़ाने की धमकी दे डाली, जिसके बाद प्रेम मंदिर के प्रशासन ने सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और खुफिया एजेंसी घटना की जांच में जुट गई है। पुलिस ने सर्विलांस टीम के जरिए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की और इसको CDR निकलवाई। पता चला कि फोन थाना गोविंद नगर इलाके के राधे श्याम कॉलोनी के रहने वाले इरशाद पुत्र मुस्ताद के नाम पर है। उससे उसका दामाद मुन्ना, जो कि जयसिंहपुरा में रहता है, वह चलाता है।
जो कि ऑटो चालक का काम करता है। पुलिस ने जयसिंहपुरा इलाके में मुन्ना को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ। मुन्ना ने पूछताछ में बताया कि परसों 6 अगस्त को एक टूरिस्ट उससे मथुरा वृंदावन घुमाने की बात कर रहा था, जिस दौरान उसने अपने फोन को खराब होने की बात कही थी और हमारा फोन लोकर बात करने लगा और हमें बातों में उलझा दिया, जिसके बाद वह वहां से चला गया और हमें फोन का ध्यान नहीं रहा। अब वही शख्स प्रेम मंदिर में फोन कर जन्मभूमि और प्रेम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि उस व्यक्ति ने कई जगह पर इस तरह के धमकी भरे फोन किए हैं, जैसे कि कासगंज, जीआरपी, आगरा और कई सरकारी स्थानों पर भी इस तरीके की गतिविधियां की। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमों का गठन किया और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की बात कर रही है। वहीं संदिग्ध व्यक्ति के फोन से जन्मभूमि और प्रेम मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, रेड लाइट और BDS को एक्टिव कर दिया गया है। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। फोन चोरी हो गया मेरा, तो पुलिस मेरा वो दिखाई नहीं, वो जो फोन मेरा उठा कर चोरी करके ले गया, वो कॉल कर रहा है किसी धमकी हमको दे दिए, और पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया क्योंकि सिम मेरे नाम में। किस नंबर पर धमकी दी है उसने पुलिस ने? नहीं मैं नहीं मालूम है, जो लोग बता रहे धमकी दिए थे ना। वृंदावन के प्रेम मंदिर और जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी का मामला है, क्या है पुराना, क्या कार्रवाई की जा रही है? आज प्रेम मंदिर रिसेप्शन पे करीब 3:05 पे एक नंबर से फ़ोन आया कि मैं प्रेम मंदिर और जन्मभूमि को बम से उड़ा दूंगा। इस काल पे फिर हम लोग सर्विलांस के माध्यम से CDR वगैरह निकलवा करके जो नंबर था उसको हम लोग उस पर काम करना शुरू किए, तो ये ID यहीं की मिली मथुरा की, जो ID लगी थी नंबर पे इरशाद सनाब मुश्ताक आरओ राधे श्याम कॉलोनी थाना गोविंद नगर की थी, और इस ID पर इसके दामाद मुन्ना सनाब अजीज आरओ जयसिंहपुरा खादर का रहने वाला है, जो गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है। इसको हम लोग जब लेकर के आए पकड़ के, तो इसका ये कहना था कि परसों ये ऑटो चलाता है मुन्ना, इसका कहना था कि परसों यानी 6 तारीख को एक टूरिस्ट यहाँ आया था और उससे कहा कि हमको पूरा वृंदावन मथुरा घूमना है, 1800 में इन लोगों का सौदा तय हुआ था और इस बात पे ऑटो लेकर के चलने को तैयार हुआ, तो जो टूरिस्ट था या जो भी आदमी जो फ़ोन कर रहा है उसने कहा कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, इस बात पे इससे मोबाइल ले लिया बात करने के लिए, ये अपना ऑटो टर्न करने लगा, इसी बीच वो मोबाइल लेकर के चला गया और इसी के मोबाइल से वो जगह जगह फ़ोन कर रहा। अभी तो हम लोगों ने जैसा CDR के माध्यम से ट्रेस किया है, ये प्रेम मंदिर के अलावा भी कई जगह फ़ोन किया है, जैसे GRP कासगंज का भी नंबर है, GRP आगरा का भी नंबर है, इसके अलावा भी अन्य जगह सरकारी स्थानों पर जैसा प्रतीत हो रहा है कि इसने जगह जगह इसी ढंग की कॉल करके और ऐसी बात किया है इसने। सर टूरिस्ट को गिरफ्तारी के लिए या कुछ उसकी सर्च अभियान के लिए? हम लोग लगातार लगे हुए हैं, 7 टीमें बनाई गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं, उसको भी हम लोग पकड़ लेंगे। था सर अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा को कितना मजबूत किया जा रहा है? सुरक्षा तो हर जगह जहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, इसके अलावा भी प्रेम मंदिर को और कृष्ण जन्मभूमि को लगातार सतर्क कर दिया गया है, जो भी ड्यूटियां हैं और अन्य भी ड्यूटियां और भी लगा दी गई हैं, और लगातार BDS चेकिंग और LI को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, सब लोग लगातार संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की इसकी चेकिंग कर रहे हैं, उसको वाच कर रहे हैं। जिस तरीके से वो फ़ोन कर रहा है क्या माना जाए कि वो कहीं पुलिस को परेशान करने की वजह से फोन कर रहा है? अभी सारा कुछ देख करके तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इसने नंबर ले लिया किसी भी ऐसे ही जगह फ़ोन कर रहा है जो लोग उससे अननोन हैं और इसी ढंग की बात कर रहा है, ऐसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मतलब खुराफाती टाइप का आदमी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा, उत्तर प्रदेश। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले की राज्य इकाई ने उन्नाव व सोनभद्र की घटनाओं पर विरोध स्वरूप गुरुवार को यहां परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक जवाब दो मार्च निकाला।
भाई अम्बेडकर प्रतिमा पर धरना दिया। मार्च और धरने में उक्त दोनों घटनाओं के अलावा धारा 370 और 35 से हटाने को संविधान व लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए जोरदार विरोध किया है। मुख्य वक्ता भाकपा माले की केंद्रीय समिति की सदस्य कृष्णा अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार में कानून का राज खत्म हो गया है। उन्नाव कांड के मुख्य अभियुक्त भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की तब पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया जब उनके खिलाफ रेप का मुकदमा कायम हुआ। सोनभद्र में 3 महिलाओं समेत 10 आदिवासियों की भूमाफियाओं द्वारा हत्या कर दी गई। प्रदेश में अल्पसंख्यकों की लीचिंग बिना मुकदमा चलाए हत्या की चंदौली जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के संविधान और कश्मीर के साथ खिलवाड़ कर रही है, 1997 के बंटवारे जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है। भाजपा लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर देश में फासीवादी शासन थोपना चाहती है, लेकिन भारत की अमन और लोकतंत्र पसंद जनता भाजपा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दी। वहीं धरने के अंत में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। इसमें शामिल प्रमुख मांगे थी, नाव घटना की साजिश में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सोनभद्र नरसंहार में उम्बा गांव में पीड़ित आदिवासी परिवारों को कथित विवादित जमीन का कानूनी तौर पर मालिकाना हक दिया जाए और नरसंहार के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं आदि मांगों को लेकर धरना समाप्त किया गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भास्कर सारस्वत की रिपोर्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सौरिक के भाजपा के वरिष्ठ नेता इंतजार अली की आवास पर शोक सभा समर्पित हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने छात्र आंदोलन से अपनी प्रतिभा को लोहा बनाया था, ग्रंथों एवं जनजीवन से ही बड़ी जानकार थी। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जहां भारत का प्रतिनिधित्व किया तो वहीं अपना लोहा बनवाया और उनकी कार्यशैली से पूरा भारत याद रखेगा, जिसमें मौजूद रहे भाजपा कार्यकर्ता नूर मोहम्मद, कादिर अली, नसीम शेख, आफित अली फरमान आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपने आज ये सब किया है, ये किस वजह से किया आपने? ये हमने इसलिए किया है कि हमारी ये पार्टी की बहुत गद्दावर नेता भी थीं और बहुत संघर्षशील भी थीं। ये हमारी नेता ऐसी थीं जो महिला शक्तिकरण को उन्होंने बढ़ावा भी दिया है काफ़ी। जब से ये दिल्ली की पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी 1998 में, उसके बाद ये फिर ये बनी है विदेश राज्य मंत्री, महिलाओं को भी काफ़ी सम्मान मिला इनसे और विदेशों में भी इन्होंने जाने पर भारत का जो इन्होंने सर ऊँचा किया है काफ़ी लोगों से मिल के इन्होंने, और आज वो हमारे बीच नहीं रही हैं और हम लोगों को उनकी कमी हमेशा खलेगी और आने वाले वक्त में या आने वाले टाइम पे इनकी यादें हम लोगों के साथ रहेंगी। आपको कैसा लग रहा है, ये क्या आपने क्या मनाया? आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत ख़राब लग रहा है, इनकी मृत्यु हुई है। बहुत अच्छी नेता थी हमारे यहाँ की, और गद्दावर नेता थी और उन्होंने बहुत भारत के लिए सब कुछ किया, बहुत तो कुछ किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ख़राब लग रहा है हमको, हमारे बीच में नहीं है वो। ये हमारे यहाँ जो बड़ी पार्टी छोड़ के गई हुई हैं और बहुत अफसोस की बात है ये। नहीं रहे हैं, आपको क्या फीलिंग कैसी लग रही है, क्या लग रहा है? आपने आज उनके बहुत कुछ किया उनके लिए, क्या लग रहा है आपको? आज तो बहुत दुख की बात लग रही है कि हमारे विदेश मंत्री रह चुके हैं जो काफ़ी हमारे देश के लिए काम किया है उन्होंने, और आज हमारे बीच नहीं है, तो इसलिए हमको उनका बहुत ही दुख महसूस। सभी लोगों का कहना यह है ना, बहुत दुख की बात है, सभी लोग बहुत परेशान हैं, माने कि हमारा वरिष्ठ नेता हमारे पास नहीं रहा, वो चले गए दुनिया छोड़ के। तो टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज, उत्तर प्रदेश।